नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। नगर परिषद नारनौल की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई दुकान को जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ढहाया। नारनौल में अवैध नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, मैं संजय कौशिक। नगर परिषद नारनौल की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाई गई दुकान पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार दोपहर बाद कार्रवाई की गई। नगर परिषद की टीम ने आरोपी रविंद्र उर्फ मार्शल वासी इंदिरा कॉलोनी की दुकान को गिरा दिया। आरोप है कि वह इस दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने का काम करता था, जिसके खिलाफ लड़ाई झगड़े और आबकारी अधिनियम के तहत अनेक मामले दर्ज है। सरकार द्वारा नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत शुक्रवार को इंदिरा कॉलोनी में एक अवैध रूप से शराब बेचने वाले की दुकान को गिराया गया। इस कार्रवाई को नगर परिषद की टीम ने अंजाम दिया। इस मौके पर अधिकारी के रूप में ड्यूटी मजिस्ट्रेट DDP प्रमोद देसवाल मौजूद रहे। वहीं नगर परिषद की एक्शन अंकित वशिष्ठ और जय विकास शर्मा भी मौजूद रहे। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर तैनात किया गया था। आरोप है कि रविंद्र कुमार मार्शल ने इंदिरा कॉलोनी में अवैध रूप से दुकान बना रखी थी, उसने उसके पास की जमीन पर भी अवैध कब्जा किया हुआ था। इसी दुकान से आरोपी रविंद्र कुमार उर्फ मार्शल अवैध रूप से शराब बेचने का काम करता था। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि दुकान नगर परिषद की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई थी, जिसके बारे में कब्जाधारी को नोटिस भी दिया गया था। इसी के चलते नगर परिषद और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्रवार दोपहर बाद अवैध रूप से बनी दुकान को गिरा दिया। साथ ही दुकान के पास नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे को भी हटा दिया है। इस बारे में नगर परिषद के जय विकास शर्मा ने बताया कि CIA रोड पर रविंद्र कुमार, जिस पर कई FIR दर्ज है, ने नगर परिषद की जमीन खसरा नंबर 4708 पर कब्जा किया हुआ था। इसके अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया गया। इस मौके पर नगर परिषद के XCN अंकित वशिष्ठ, अनिल कुमार पालिका अभियंता और प्रमोद कुमार BDPO ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित रहे। सभी प्रकार की ताज़ा खबरें लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।